हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी। मैं हूँ आपका दोस्त बंटी चौधरी, लेके आप सामने वीडियो जिसमें बात करने वाला हूँ फ्रेंड्स मैं आपसे प्रैक्टिस सेट के बारे में, मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट SSR AAX ग्रुप के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा, जो भाई इसमें नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। गाइज आपसे कहना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और सारे क्वेश्चन हम आपके लिए सॉल्व कराने वाले हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रहा है कि निम्न में से रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट कौन सा है। तो आप जानते हैं रिक्त समुच्चय को हम एक फाई से भी डिनोट करते हैं, दूसरा हम इस तरह के ब्रैकेट हो खाली ओनली जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तब भी इसे क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बात कर रहा है आपसे, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने i^-79। तो देखिए i^-79 अगर मैं यहाँ करता हूँ आपके सामने आइटा, अगर मैं आइटा को नीचे ले जाता हूँ तो माइनस का साइन हट जाएगा, तो क्या जाएगा 1/i^79। अगर मैं गाइज यहाँ पे आइटा का मल्टीप्लाई नीचे कर दूँ, आइटा का मल्टीप्लाई ऊपर कर लूँ तो क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा आइटा और नीचे क्या हो जाएगा आइटा 80। तो आइटा 80 आप जानते हैं 80 4 से डिवाइड होता है, नहीं होता, हाँ होता है 20 टाइम्स होगा। तो आप जानते हैं i^4 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो गाइज इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया, आइटा। तो सबसे बेस्ट रहा आपके लिए, तो क्या आएगा इसका आंसर, आयोटा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके सामने, एक संख्या अपने वर्गमूल से 12 अधिक है, एक संख्या अपने वर्गमूल से 12 अधिक है, तो संख्या है। तो देखिए थोड़ा कॉमन सेंस लगा लीजिए, कोई भी संख्या अपने वर्गमूल से 12 अधिक है तो गाइस कौन सी होगी, वो होगी 16। देखिए एक संख्या अपने वर्गमूल से 12 अधिक है, तो देखिए 16 का वर्गमूल लेते हैं मतलब इसका अंडर रूट लेते हैं तो क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखिए अपने वर्गमूल से, तो वर्गमूल क्या होगा, 16 का 4 हुआ, 4 से ऐड करते हैं 12 तो क्या होता है 16। तो यही पूछ रहा, यही कह रहा था आपसे कि एक संख्या अपने वर्गमूल से 12 अधिक है मतलब 16। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहा है आपसे 4x²-5x-7=0। इसमें पूछ रहा है मूलों की प्रकृति कैसी है, मतलब इसके रूट्स जो दे रखे हैं वो इमेजिनरी होंगे या रियल होंगे या काल्पनिक, मतलब बोलते हैं आपके सामने इक्वल होंगे, तो मतलब इसी तरह की बात कर रहा है। तो देखिए निकालेंगे कैसे निकाला जाता है। तो गाइज आपके सामने एक फॉर्मूला होता था जिसमें d = d = b²-4ac। अगर इसकी वैल्यू आपके सामने जीरो से बड़ी आ जाती है तो जीरो से बड़ी आने पर क्या होते हैं, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं। क्लियर, मूल वास्तविक होते हैं और असमान होते हैं, लेकिन अगर जीरो के इक्वल आते तो समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। अगर आपके सामने अगर आती जीरो से कम तो क्या होते हैं, वो काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब देखो बी, इस इक्वेशन में बी की वैल्यू क्या है आपके सामने, -5। तो -5² 25 होता है, -4a, ए क्या है 4 है यहाँ पे, और सी क्या है यहाँ पे -7। तो देखिए 4a, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -7, तो -- प्लस हो जाएगा तो 7। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, हमारे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व किया तो गाइस हमारे पास आता है 137 निकल के, जो कि क्या होता है जीरो से बड़ा होता है। तो हम बोल सकते हैं इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और क्या होंगे, असमान होंगे। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने बोल रहा है, यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हैं तो इनका प्रतिलोम क्या होगा, तो इनका प्रतिलोम क्या होगा। अगर आपके सामने होता है ए बी का इनवर्स तो इसका होता है गाइज हमेशा बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर आपके सामने तीन एलिमेंट दे रखे हैं, अगर बात कर रहा था आप कर रहा होता आपसे ए बी सी और बोल रखा था इनवर्स, तो क्या होता सी का इनवर्स, बी का इनवर्स और ए का इनवर्स। तो इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर देते। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, डी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है cos 15 sin 15 और नीचे दे रखा है sin 15 और cos 15, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकालना है गाइस। देखो इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, cos 15 × cos 15 माइनस साइन का, तो sin 15 × sin 15। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। और ये फॉर्मूला होता है आपका सामने गाइस cos A + B वाला, तो मतलब cos 15 + 15। तो देख सकते हैं इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया cos 30, और cos 30 वाली क्या होती है अंडर रूट 3/2 होती है।
तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे हो, देखते हो ऑप्शन कौन सा होगा करेक्ट। तो गाइज देख सकते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 3 होगा इसका, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है डी वाई ओवर डी एक्स क्या होगा इसका। तो आपके सामने दे रखा है लॉग एक्स की पावर, पूरे की पावर दे रखा है आपके सामने एक्स, तो इसका मान क्या होगा। तो इसको देखिए सॉल्व करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसका क्या होगा। तो देखिए गाइज अगर मैं ले लेता हूँ बोथ साइड लॉग, आपके सामने दे रखा है बोथ साइड लॉग लिया तो क्या आएगा, लॉग वाई इक्वल टू आएगा। देखिए जब लॉग लेंगे तो एक्स बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा एक्स यहाँ आ जाएगा लॉग, और ब्रैकेट में लॉग एक्स ये आ जाएगा निकल के। अब इसका क्या करना है आपको, डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए लॉग वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ क्या होगा वन अपॉन वाई, वन अपॉन वाई मतलब लॉग एक्स, लॉग वाई का इक्वल टू यहाँ क्या होगा एक्स। देखिए फर्स्ट यहाँ का तो रखी है, मतलब एक को ऐसे ही रखना है हमने, एक्स को रखा। अब पहले इसका करेंगे डिफरेंशिएट इस पूरे का, तो डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, वन अपॉन लॉग, फिर लॉग का करेंगे, लॉग का क्या होगा वन अपॉन एक्स प्लस। अब देखो इसको यहाँ के तो रखेंगे और एक्स का करेंगे, तो एक्स का वन हो जाएगा, तो ये रहेगा लॉग, और यहाँ रहेगा लॉग एक्स ऐसे ही। देखिए एक्स से एक्स कट गया ये, तो हमारे पास कंडीशन क्या निकल के आती है, हमारे पास कंडीशन निकल के आती है डी वाई ओवर डी एक्स, और जो वाई यहाँ पे था वन अपॉन वाई वो यहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और यहाँ क्या आया था हमारे पास वन अपॉन लॉग एक्स, एक्स एक्स तो कट चुका था वो, प्लस यहाँ क्या आया था आपके सामने लॉग लॉग एक्स, ये आया था हमारे सामने। तो देख सकते हैं ऐसा ऑप्शन कोई सा है आपके सामने, हाँ है, वाई की वैल्यू इसने पुट कर दी, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी थी, ये दे रखी थी, इसलिए वाई की वैल्यू यहाँ पुट कर दी है। तो आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आ रहा होगा, तो देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर इसका सी क्या है, करेक्ट आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने sec 3 मतलब sec की पावर 3, और दे रखा है 3x, मतलब इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तो इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे इसका, तो इसलिए इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको मैं क्या करता हूँ, इसको अलग अलग थोड़ा ब्रेक कर लेता हूँ, मतलब ब्रेक से मतलब ये है कि लिख लेता हूँ मैं sec x इंटू sec x का स्क्वायर dx, इस तरीके से कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करूँगा मैं, आईलेट से करूँगा गाइस, तो इसको करूँगा फर्स्ट मान लूँगा इसे, इसे मान लूँगा मैं सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड मान के करता हूँ। तो देखिए फर्स्ट यहाँ कहते हो सेक एक्स, अब मैंने किया सेक स्क्वायर एक्स का, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा 10x इंटीग्रेशन, आई लेट से कर रहा हूँ गाइस माइनस। अब देखो सेक एक्स का क्या करना है, मैं डिफ्रेंशिएट करना है, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो सेक एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, सेक एक्स 10x, ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का किया हमने, तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 10x होता है इंटीग्रेशन, और डी एक्स आई लेट का आप जानते होंगे फॉर्म कैसे करते हैं। अब हमारे पास निकल के आती है ये वाली टर्म, ये वाली टर्म निकल के आती है, तो हम बोल सकते हैं ये तो यूँ का तो रहेगा, तो हमारे पास निकल के आया यहाँ तो आया sec sec x 10x, और यहाँ आया था आपके सामने sec x और 10 square x था, तो 10 square x को ब्रेक कर लिया हमने, क्या कर देंगे sec square x माइनस का 1 dx। अब देखो इसका करता हूँ, इसका करूँगा तो क्या आएगा माइनस का, इसे यूँ कहते हैं यहाँ रखा हुआ है, देखिए sec square x हो जाएगा, सॉरी क्यू एक्स हो जाएगा इसका, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, क्योंकि ये माइनस हमने अप्लाई कर दिया अंदर, ठीक है। तो यहाँ हो गया प्लस, ये हो जाएगा सेक एक्स, ठीक है। अब देखो इसकी जगह वाई पुट कर सकता हूँ मैं, क्योंकि हमने मान लेते हैं इसे वाई, मान लो वाई पुट कर सकता हूँ, मतलब आई पुट कर लो या फिर आई मान लो इसे पूरे को, तो आई मानेंगे तो इसकी जगह आई पुट किया तो इसे इधर ले जाएंगे, प्लस का बन जाएगा क्योंकि इक्वल के इधर ले जाएंगे, ये आई के इक्वल मान लिया हमने, तो आई इधर जाएगा तो डबल आई हो जाएगा, मतलब 2i हो जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास निकल के 2i इक्वल टू sec x 10x, और जो हमारे पास sec x का इंटीग्रेशन करना था तो sec x का इंटीग्रेशन करेंगे, sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइज, sec x का होता है log, यहाँ आया log mod sec x प्लस 10x, ये होता है। अब देखो i इक्वल टू निकालेंगे तो क्या आएगा 1/2, और यहाँ आ जाएगा sec x 10x प्लस log sec x प्लस 10x। तो उम्मीद करता हूँ गाइस समझ पा रहे होंगे, प्लस सी आ जाएगा। तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो रहा है मेरे अकॉर्डिंग, देख सकते हैं इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इंटीग्रेशन फाइंड करवा रहा है 0 से 5y
टू तक, और इसमें बोल रखा है आपके सामने कॉस एक्स और अपॉन में दे रखा है कॉस एक्स साइन एक्स। तो गाइज जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो, या साइन में हो या कॉस में हो, यहाँ साइन हो सकता है कॉस हो सकता है, कैसा भी क्वेश्चन हो इस टाइप का, तो हमें करना क्या होता है, जो हमारे पास लिमिट दे रखी है इसकी जगह हम क्या करेंगे, एक्स सॉरी पाई अपॉन टू प्लस, हम करेंगे इसकी जगह पाई अपॉन टू प्लस सॉरी माइनस का एक्स, ये पुट कर देंगे इसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स रखा हुआ है। तो देखिए जहाँ जहाँ एक्स रखा हुआ पुट करूँगा, तो इसे मान लो पहले आई, अब इसको मैं पुट कर रहा हूँ मैं, तो देखिए कॉस की जगह पुट करूँगा एक्स, कॉस एक्स की जगह एक्स की जगह पुट करूँगा पाई अपॉन टू माइनस का एक्स, तो क्या आ जाएगा इस जगह साइन एक्स आ जाएगा। ऐसे में यहाँ पुट करूँगा इसकी जगह, तो यहाँ क्या आएगा साइन एक्स, और इसकी जगह क्या आ जाएगा प्लस कॉस एक्स, और लिमिट रहेगी हमारी जीरो से पाई बाई टू। अब इन दोनों को ऐड करता हूँ मैं, इसको और इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो दोनों को ऐड करूँगा तो ऊपर कंडीशन क्या बनेगी, देखिए नीचे तो समान रहेगा इक्वल रहेगा, क्योंकि एलसीएम लेने के इक्वल करूँगा तो देखिए एलसीएम दोनों का समान आएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यहाँ भी कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, ऊपर क्या आ जाएगा ऐड करने के बाद कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो हमारे पास निकल के आया जीरो टू पाई अपॉन टू, और यहाँ आएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसे नीचे आया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी एक्स, तो दोनों आपस में कट जाएगा, तो वन, तो वन का इंटीग्रेशन करेंगे तो वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स, और ये आ जाएगा लिमिट जो दे रखी है पाई अपॉन टू, देखिए पाई अपॉन टू माइनस का जीरो, तो आंसर क्या आया पाई अपॉन टू। तो देख सकते हो ऑप्शन नंबर डी सॉरी बी इसका क्या करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसमें बात कर रहा है आपसे कॉस कॉस इनवर्स, और आपके सामने दे रखा है वन प्लस सॉरी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें पूछ रहा है इसका मान क्या होगा, तो हम क्या करेंगे गाइज, इसमें एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे कुछ, तो एक्स की जगह मैं पुट करना चाहूँगा गाइज आपके सामने, देखिए एक्स इक्वल टू पुट कर देता हूँ यहाँ टेन एक्स सॉरी टेन थीटा, तो टेन थीटा पुट कर दीजिए, जैसे टेन थीटा पुट करूँगा क्या आएगा वन माइनस टेन टेन स्क्वायर थीटा, एक्स की जगह पुट किया यहाँ क्या जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपके सामने इनवर्स लगा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है ये आपके सामने लगा हुआ है। अब गाइज आपको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री में आपने फॉर्मूला पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लीजिएगा, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस टू एक्स का, तो कॉस इनवर्स ऑलरेडी है यहाँ पे, और ये फॉर्मूला किसका बताया था कॉस टू सॉरी टू थीटा का, टू एक्स का टू थीटा का, तो कॉस से कॉस हट गया, तो आंसर क्या आया टू थीटा निकल के आया, तो हमारा आंसर निकल के आया टू थीटा। अब थीटा की जगह वैल्यू पुट करनी है, हमने क्या माना था टेन थीटा इक्वल टू एक्स था, तो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा टेन इनवर्स एक्स, तो देखिए क्या आंसर रहेगा टू टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू पुट कर दी हमने एक्स, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है इसका मान क्या होगा, इसका मान हमें फाइंड करना है, तो देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बात कर रहा है इंटीग्रेशन जो दे रखा है आपके सामने अंडर रूट के अंतर्गत, तो आपको पता होगा आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता था गाइज आपके सामने साइन टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू होता था, और जब प्लस होता था बीच में इस जगह तो हमारे पास होता था टू कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन टू, ये होता था। तो देखिए प्लस ऊपर वाले रखेंगे साइन वाली फॉर्म, नीचे रखेंगे कॉस वाली फॉर्म, तो हमारे पास क्या आएगा अंडर रूट के अंतर्गत टू साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, यहाँ अल्फा दे रखा है अल्फा अपॉन टू, यहाँ क्या होगा टू कॉस स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, तो टू से टू कट गया, ये क्या बन जाएगा आपके सामने टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, तो यह आया हमारे पास टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन टू, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, ठीक है तो हमारा आंसर क्या आया टेन अल्फा अपॉन टू, तो टेन अल्फा अपॉन टू कौन सा होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बात कर रहा है आपसे इसका मान क्या होगा, इसका मान निकालना है हमें, तो देख पा रहे हैं आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे कॉस एट, और ये देखा है कॉस एट माइनस साइन एट अपॉन में दे रखा है कॉस एट प्लस साइन एट, तो इसका मान पूछ रहा है इसका मान क्या होगा। तो देखिए गाइस अगर मैं इसमें से कॉस कॉमन लेता हूँ ऊपर से कॉस एट और नीचे से भी कॉस एट, तो क्या बनेगा वन माइनस का, ये बन जाएगा साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस मतलब टेन एट आ जाएगा इसकी जगह, और यहाँ कॉमन लिया कॉस तो क्या आएगा वन प्लस टेन एट यहाँ आ जाएगा, और जो कॉस से कॉस यहाँ लिया था हमने कॉस से कॉस कट किया था आपस में, ठीक है उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस बात को, तो कट गया, तो हमारे पास कंडीशन ये निकल के आती है, तो अब ये निकल के आई कंडीशन हमारे पास वन माइनस का टेन एट, और यहाँ निकल के आया वन प्लस का टेन एट, अगर मैं वन की जगह पुट कर दूँ टेन फोर्टी फाइव और यहाँ कर दूँ माइनस का टेन एट,
यहाँ कर दूँ 1 + 10 45 और 10 8। और आप बोलेंगे 10 8 45 यहाँ कहाँ से आया, तो गाइज मल्टीप्लाई में 1 हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है, क्योंकि 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो गाइज ये फॉर्मूला बन जाता है आपका 10 a - b वाला, तो क्या बनेगा 10 45 - 8, तो 10 45 - 8 करेंगे तो क्या आएगा 10 37, तो 10 37 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है 4 और 16 के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो इन दोनों के मध्य में गुणोत्तर माध्य क्या होगा ये पूछ रहा है। तो गाइज आपको पता होगा, अगर नहीं पता हो तो देख लीजिए, अगर आपके सामने बोल रखा है ए तथा बी के मध्य गुणोत्तर माध्य क्या होगा, तो उसका माध्य होता है गाइज, आपको बता दूँ जी इक्वल टू होता है ए बी, मतलब इन दोनों के मध्य पूछा है तो क्या होगा 4 × 16 इनका अंडर रूट, तो 4 का 2 होता है, 16 का 4 होता है, तो क्या आएगा 8, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट लॉग 100 बेस पर दे रखा है आपके सामने 0.1, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान पूछ रहा है गाइस, तो इसका मान हम निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो आपके सामने दे रखा है कंडीशन, इसको लिखता हूँ मैं लॉग 100। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ आपके सामने पॉइंट हटा के बात करता हूँ, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, या तो मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ इसका, या फिर मैं एक कंडीशन कर सकता हूँ, जो कंडीशन आपको पता होगी, नहीं पता हो तो देख लीजिएगा। अगर मैं कर देता हूँ इसे x के इक्वल, तो आप जानते हैं क्या होता है, ये पावर में आ जाता है, ये इक्वल में रहता है, तो क्या आ जाएगा आपके सामने 100 पावर x इक्वल टू आएगा निकल के, ये लिखा हुआ आपके सामने 0.1। तो देखिए 0.1 आपके सामने लिखा हुआ है, अब आपको ये देखना है कि 0.1 आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है हटा दिया पॉइंट, 10 हो गया, ठीक है। तो आपके सामने कंडीशन बनती है 100x और यहाँ आया 1/10, ये कंडीशन बनती है। तो इस कंडीशन को अब हमें हल करना है, तो देखिए इसको क्या करना चाहेंगे हम, अगर मैं कर देता हूँ इसको 10 की पावर 2 और ऊपर रखूँ पावर में x, तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा पावर में, तो मतलब बोल सकते हैं 10 2x इक्वल टू, यहाँ क्या था 1/10, तो 1/10 को क्या कर दिया हमने इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से हम लिख सकते हैं आराम से। तो हम क्या कर देंगे, अब दोनों को इक्वलाइज कर देंगे, इसको इसके इक्वल करेंगे, तो इसके दोनों को इक्वलाइज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2x = -1, तो x निकालेंगे क्या निकलेगा -1/2, तो ये हमारे पास निकल के आया, तो यही इसका क्या होगा आंसर होगा, वो यही पूछ रहा था, इसका आंसर क्या होगा ये होगा, उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसी टाइप से करेंगे जैसे हमने आपको बताया था, ये 8, तो x = 8 की पावर हो जाएगा 2/3। अब देखो पहले इसका स्क्वायर कर लो या फिर इसका क्या कर लो क्यूब रूट कर लो, तो देखिए पहले मैं इसका क्यूब रूट करूँगा, तो 8 का क्यूब रूट क्या होता है, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3 और होल पावर लिख सकता हूँ 2, तो देख सकते हैं 8 का क्यूब रूट क्या होता है, 1 का क्यूब रूट होता है 2, सॉरी 8 का क्या होता है 2 होता है, तो 8 का 2 हो गया, 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या होगा 4, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आपके सामने, परवलय की नाभि और नियता फाइंड करनी है, तो परवलय की नाभि और नियता फाइंड करनी है, तो परवलय की इक्वेशन आप जानते हैं, परवलय की इक्वेशन आपके सामने होती है, इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो आप देख सकते हैं, तो एक की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो एक की वैल्यू क्या निकलेगी 2 निकलेगी, बस एक की वैल्यू हमारे पास 2 निकल चुकी है, आप देखिए सॉल्व करते हैं, तो भाई एक की वैल्यू हमारे पास 2 निकल चुकी है, तो नाभि के बाद क्या होती है आपके सामने, अगर आपके सामने ये इक्वेशन होती है 4ax, तो इसकी नाभि क्या होती थी, इसकी नाभि होती थी गाइस 0 ये होती थी नाभि, ठीक है। और नियता की बात करें, नियता क्या होती थी इसकी, नियता होती थी गाइस x = -a, तो देखिए ए की वैल्यू हमने अभी निकाली थी आपके सामने, क्या निकाली थी 2 निकाली थी, तो क्या हो जाएगा नाभि 2 0, तो नाभि हो गई, नियता क्या होगी -2, तो देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा 2 और -2, तो देखिए इसमें 2 है और x की वैल्यू -2, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है, इसका मान पूछ रहा है, इसका मान क्या होगा आपके सामने, लिमिट दे रखी है, लिमिट x = 0, अगर हमें पुट करते हैं आप इसमें, तो जैसे आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके सामने वैल्यू बनेगी गाइस 0/0 की फॉर्म, जो कि अनिर्धारित रूप होता है, जो कि अनडिफाइंड हो जाता है गाइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका आपके सामने करेंगे DL Hospital लगाएंगे, DL Hospital मतलब ऊपर का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे और नीचे का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ऊपर वाले टर्म का करेंगे पहले, इस वाले टर्म का क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में,
बाद में स्किप करेंगे। तो देखिए करते हैं पहले फर्स्ट का, ऊपर वाले का। तो ऊपर वाले का करेंगे तो क्या आएगा, वन का जीरो हो जाता है माइनस। अब देखिए कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन होता है, तो फाइव साइन, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे यहाँ क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा सिक्स साइन, ये नीचे का कर लिया। ठीक है, अगर अब इसमें लिमिट अप्लाई करके देखते हैं, अगर इसमें अभी लिमिट अप्लाई की हमने तो फिर भी क्या कंडीशन आएगी, जीरो अपॉन जीरो की फॉर्म आएगी, क्योंकि आप जानते हैं साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। और यहाँ पे क्या होती है, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती थी, तो वन माइनस वन तब जीरो बन रहा था। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे, अलग से फिर दोबारा से इसका क्या करेंगे, अगेन फिर से पुनः इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे ऊपर वाले का, तो क्या आएगा 25। अब साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस 5x। ऐसे यहाँ क्या करेंगे, नीचे यहाँ आ जाएगा 36 और इसका क्या हो जाएगा, कॉस 6x। अब देखिए अगर इसमें अब लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट क्या देखिए, एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, यहाँ भी कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो वन वन हो जाएगी दोनों की जगह वैल्यू, तो हमारे पास क्या आएगा 25/36। तो आंसर आएगा 25/36, तो ऑप्शन नंबर 25/36, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा निम्न में से कौन सा एक फलन स्वयं का प्रतिलोम है, मतलब ऐसा कौन सा फंक्शन है इसमें, ऐसा कौन सा फलन है जिसका प्रतिलोम भी क्या होता है, जैसे x मान के इक्वल टू पुट करते हैं, इसको x के इक्वल मान लेते हैं, सॉरी y के इक्वल मान लिया हमने, जो आपके सामने फंक्शन दे रखा है, अगर मैं इसका प्रतिलोम निकालूं वो भी यही इसी टर्म में आ जाए, इसी इक्वेशन में आ जाए, निकल के इसी फॉर्म में आ जाए, तो क्या होगा इसका प्रतिलोम फलन, स्वयं का प्रतिलोम फलन वही होगा। तो देखिए इसे मैं x के सॉरी y के इक्वल माना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वन इक्वल टू, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया y प्लस, ये निकल के आया। अगर मैं x x को एक साइड में ले लेता हूँ, मतलब x को बदल के आता हूँ, y को बदल ले जाता हूँ, तो क्या बनेगा यहाँ पे, y माइनस वन हो जाएगा, सॉरी वन माइनस वाई हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस क्या हो जाएगा, तो x कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा y प्लस वन, यही बचेगा क्योंकि हमने यहाँ से x कॉमन लिया, तो y प्लस वन बचेगा। तो देखिए अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या बनेगा, अपॉन वन प्लस वाई। तो देख सकते हैं ये हमने x की वैल्यू फाइंड की, और ये देखिए ये फंक्शन दोनों एक जैसे हैं या नहीं। यहाँ पे क्या कर रखा है, यहाँ पे आपके सामने x माइनस वाई सॉरी वन माइनस एक्स, और यहाँ पे वन माइनस वाई, यहाँ पे वन प्लस एक्स, नीचे दे रखा है वन प्लस वाई, तो दोनों एक जैसे हैं, तो बोल सकते हैं ये इसका क्या होगा, प्रतिलोम होगा, और कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसके आप ऐसी वैल्यू निकलेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने लिमिट दे रखी है एक्स टेन टू टू, तो इसमें पूछ रखा है इसमें अगर लिमिट पुट करते हैं तो देखिए इसका मान क्या होगा, तो इसका मान अगर देखिए स्टार्टिंग में देखते हैं, लिमिट पुट करके देखते हैं, लिमिट पुट करेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो की फॉर्म आएगी, जो कि क्या होगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, अंधार रूप हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका डीएल हॉस्पिटल लगाएंगे, तो डीएल हॉस्पिटल लगाते हैं गाइस, तो फर्स्ट में डीएल हॉस्पिटल लगाया तो क्या आएगा फाइव, और यहाँ क्या जाएगा पावर में फोर, ठीक है, और यहाँ क्या आएगा जीरो। अब ऐसे नीचे लगाएंगे डीएल हॉस्पिटल तो क्या आएगा टू आगे आ जाएगा टू एक्स जीरो, तो देख सकते हैं ये आपके सामने निकल के आया। तो आपको क्या करना है, जब हमारे पास ये निकल के आया लिमिट, अगर इसमें अभी अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आती है लिमिट, देखिए अगर इसमें लिमिट पुट करते हैं टू, तो क्या निकलता है हमारे पास, इसका मान के मान क्या निकलेगा, तो करते हैं इसको फाइंड। जब इसमें हमने लिमिट अप्लाई करी, तो लिमिट अप्लाई करते हैं, देखिए ये आपके सामने लिखा हुआ कंडीशन, इस कंडीशन फाइव अपॉन, यहाँ पे आपके सामने देखिए यहाँ थ्री होना चाहिए था गाइस, ये टू दे रखा है, ये थ्री होना चाहिए पावर में, यहाँ पे टू कर रखा है, ये थ्री है, तो यहाँ थ्री आना चाहिए, फिर हमने अभी देखा इसका मिस्टेक है इसमें, तो यहाँ स्क्वायर है, तो मतलब यहाँ थ्री आना चाहिए था, तो फाइव अपॉन थ्री ये आपके सामने दे रखा है, तो आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे, तो गाइस हमारे पास जो निकल के आ रहा था आंसर क्या निकल गया था, फाइव अपॉन थ्री, और यहाँ था एक्स की पावर फाइव सॉरी फोर, और एक्स की पावर टू, तो एक्स की पावर टू से एक बार टू यहाँ बचेगा, टू पावर बचेगी, तो फाइव अपॉन थ्री यहाँ आया एक्स की पावर टू, देखिए पुट कर दीजिए, एक्स की वैल्यू लिमिट पुट करेंगे जो टू दे रखे आपके सामने, तो हमारे पास क्या निकलेगा फाइव अपॉन थ्री, और एक्स की वैल्यू जब हमने टू पुट की तो क्या आएगा टू का स्क्वायर करेंगे तो फोर, तो फोर इंटू फाइव होता है ट्वेंटी अपॉन थ्री, तो आपके सामने ऑप्शन देख रखा है, ऑप्शन में कोई है नहीं है, तो इसमें से क्या बोलेंगे, इसमें से कोई नहीं। नेक्स्ट दे रखा है आपके सामने, नेक्स्ट आपके सामने बात कर रहा है, यदि फलन ये फंक्शन दे रखा है आपके सामने, इसमें बोल रहा है ये फंक्शन जो आपके सामने दे रखा है x इक्वल टू माइनस वन पे क्या है संतत है, तो k का मान क्या होगा,
तो आप जानते हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। आपने पढ़ा होगा जो आपने लेफ्ट साइड की लिमिट इक्वल टू राइट साइड की लिमिट, तो उसमें उसी वाले फॉर्मूले में रखना है इसे, रखने के बाद आप इसकी वैल्यू फाइंड आराम से कर सकते हैं। तो आपको इसका आंसर बता देता हूँ, आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा गाइज ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। अगर आपसे नहीं होता तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करिएगा, हम इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देंगे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखा निम्न में से विषम फलन कौन सा है। विषम फलन और सम फलन की बात हम पहले भी कर चुके हैं आपसे, और आपसे एक और बात कर लेते हैं। तो सम फलन विषम फलन की बात करें तो देखिए विषम फलन होता क्या है। विषम फलन ये होता है कि देखिए आपके सामने दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन रहेगा जैसे एक्स स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स पुट करूँ, तो देखिए यहाँ माइनस का एक्स पुट कर लीजिए तो क्या आएगा आंसर इसका भी एक्स स्क्वायर निकलेगा। मतलब ये फंक्शन इसके इक्वल ही निकल के आया। जब इस तरीके से निकल के आया तो क्या बोलते हैं इसे, सम फलन बोलते हैं। ठीक है, अब विषम फलन की बात कर लेते हैं। अगर आपके सामने दे रखा है क्यू और यहाँ दे रखा, अब मैं पुट करता हूँ माइनस का एक्स, तो देखिए यहाँ क्या आएगा माइनस का एक्स ये निकल के आएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्यू दे रखा है। अगर सम संख्या होती ऊपर पावर में तो क्या होता है हमेशा प्लस में आता है, ये क्या आया माइनस का एक्स की पावर थ्री। तो देख सकते हैं ये नेगेटिव में आया, ये पॉजिटिव में था। मतलब अगर मैं इसकी जगह वैल्यू पुट कर दूं ये एफ एक्स कर सकता हूं, तो माइनस का एफ एक्स के इक्वल आया। तो ठीक है, ये क्या होता है विषम फलन की कंडीशन होती है, तो ये कंडीशन बतानी थी आपको। तो देखिए यहाँ देखते हैं फर्स्ट वाले में, ये क्या है सम फलन है, क्योंकि आप देख सकते हैं एक्स की पावर क्या है टू है, तो माइनस पुट कर लो हमेशा प्लस में आएगा। ऐसे यहाँ देखेंगे, यहाँ भी क्या दे रखी है देखिए एक्स की पावर यहाँ फोर है और दूसरे में क्या है टू दे रखी है, तो देख सकते हैं यहाँ एक्स की पावर फोर है यहाँ एक्स की पावर टू है, तो ये क्या है सम संख्या है पावर में, तो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। इसमें तो एक्स है ही नहीं, बात करते हैं इसमें, इसमें एक्स दे रखा है। तो देखिए अगर मैं एक्स की जगह पुट करता हूँ माइनस का एक्स, तो क्या आएगा माइनस का फाइव एक्स आएगा, तो ये क्या है एक विषम फलन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पूछ रहा है आपसे उप समुच्चयों की संख्या, मतलब अरिक्त उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो मैंने बात की थी आपसे समुच्चयों की संख्या निकालने के लिए क्या होता है टू की पावर एन, तो टू, अब इस कितने एलिमेंट है इसमें एक दो तीन चार, चार पावर में फोर, तो देखिए क्या होगा इसका सिक्सटीन होता है, निकल के आया सिक्सटीन। तो क्या सिक्सटीन निकल के आया, ये क्या होते हैं ओवरऑल जितने भी इसके समुच्चय बन सकते हैं उप समुच्चय बन सकते हैं वो इसकी संख्या निकली। लेकिन उसने बात कर दी एक थोड़ी सी छोटी सी बात कर दी है उसने कि अरिक्त समुच्चय, उसमें कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो अरिक्त समुच्चय की बात करेंगे तो क्या होगा माइनस का वन कर देते हैं, क्या होगा 15, मतलब एक हमेशा उसमें क्या होता है रिक्त समुच्चय होता है। तो उसने अरिक्त समुच्चय की बात कर दी, मतलब सिंपल सी बात कही थी उसमें कोई भी रिक्त समुच्चय नहीं होना चाहिए। तो गाइस जब हम समुच्चयों की संख्या निकालते हैं उसमें हमेशा एक रिक्त समुच्चय इंक्लूड होता है, इसलिए हमने इसमें वन माइनस किया तो हमारे पास क्या निकला 15। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है इसका मान क्या होगा। तो गाइस देखिए वन, आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन, आइटा की पावर फोर की वैल्यू क्या होती है प्लस का वन, और आइटा की पावर सिक्स की वैल्यू क्या होती है माइनस का वन। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ये इस कट गए तो क्या है इसका वैल्यू जीरो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके सामने दे रखा है अंडर रूट के अंदर सिक्स प्लस फिर अंडर रूट सिक्स प्लस अंडर रूट सिक्स, तो इसका मान क्या होगा। तो देखिए गाइस जब भी आपके सामने इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, कोई भी इस टाइप का आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, तो आपको करना क्या होता है गाइस, इसके अंदर जो अंक दे रखा है क्या दे रखा है सिक्स दे रखा है, इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या होगा टू इंटू थ्री होगा, जो इसमें बड़ा होगा इसका आंसर वही होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपके सामने होता है यहाँ पे 15 तो 3 5 15, तो इसका आंसर क्या होता 5 होता। जब आपके सामने प्राइम फैक्टर इस तरीके के बन रहे हों तो इसका क्या होगा आंसर 5 होगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा 3। तो गाइज आपके सामने इसी टाइप के जो क्वेश्चंस दे रखे हों जिसके प्राइम फैक्टर इसी टाइप के बन रहे हों तो उसका मान क्या होगा, वो जो बड़ा दे रखा है वही इसका आंसर होगा गाइज। ठीक है, अगर बाकी के अलावा कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें दो तीन प्राइम फैक्टर बन रहे हों तो उसका क्या करेंगे एक्स की कुल मानिए, इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और गाइज आपको एक कंडीशन और बता दूँ, ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी जब इनफाइनाइट तक की बात कर रहा हो, ऐसा नहीं होगा जब उसमें आपके सामने इनफाइनाइट नहीं दे रखा हो सिर्फ यहीं तक दे रखा हो, तो इस कंडीशन में ये अप्लाई नहीं होगा। ये गाइस तभी अप्लाई होगा जब आपके सामने इनफाइनाइट की बात कर रहा हो और एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो वो भी प्लस में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अगर आपके सामने ये मल्टीप्लाई में होता, मतलब आपके सामने कुछ इस तरीके से होता सिक्स सिक्स
सिक्स सिक्स इस तरीके से होता गाइस, या फिर आपके सामने होता था फाइव 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 फाइव, तो इसका आंसर क्या होता, जो दे रखा वही होता फाइव। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बात कर रहा है कि इसका सबसे बड़ा गुणांक क्या होता है। तो गाइस सबसे बड़ा गुणांक कौन सा होता है जो मिड में आता है गाइस, तो मिड में कौन सा होगा, बीचों बीच में कौन सा होगा, तो 24 का हाफ कर दो वो इसका बीचों बीच में आएगा, क्या आएगा, 12th। तो सी 24 सी 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, क्योंकि हम आपके सामने रोज लाते रहेंगे इसी टाइप के प्रैक्टिस सेट और वीडियोस, जिसमें बात करते रहेंगे आपके सामने एयरफोर्स एक्सक्रोफ या डबल ए से संबंधित इसी टाइप के क्वेश्चंस के बारे में। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। अगर आपको कोई समस्या है तो प्लीज़ कमेंट मी।